तो गाइस, जब से इंडिया में क्रिप्टो माइनिंग कल्चर की शुरुआत हुई है, तब से एक कॉमन दिक्कत जो भी हमारे बजट बिल्डर्स हैं, जो भी हमारे बजट गेमर्स हैं, उनको फेस करना पड़ रहा है, वो है जीपीयू का शॉर्टेज। और आज के टाइम में अगर आप एक 60,000-70,000 रुपये का पीसी बिल्ड करने जाते हो, तो एक अच्छा सा जीपीयू आपके सिस्टम के लिए मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सो इन्हीं सारी तकलीफ़ों को आज हम लोग रिजॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो के थ्रू। और आज मैं आपको एक ऐसा पीसी बिल्ड करके दिखाऊंगा जिसपे अगर आप GTA 5 जैसे गेम को 1080p नॉर्मल सेटिंग पे खेलते हो, तो आपको बड़े आराम से 50 FPS तक ये दिला सकता है। अगर आप थोड़ा सा और ट्वीक करोगे अपने सेटिंग्स को, तो आप 60 FPS तक बड़े आराम से टच कर सकते हो। फ्यूचर में जब GPUs के प्राइसेस वापस से नॉर्मलाइज हो जाएंगे, तो आप अपने बजट के हिसाब से एक अच्छा सा GPU अपने सिस्टम के अंदर डाल सकते हो, और तब जो आपकी परफॉर्मेंस रहेगी वो और बेहतर हो जाएगी। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, अगर आप RTX 3060 Ti या फिर RTX 3070 ऐसे ग्राफिक कार्ड भी लगाना चाहोगे, तो ये पीसी आराम से उन सारे वर्कलोड्स को आराम से हैंडल कर लेगा। तो आपको किसी भी कंपोनेंट को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं। सारे के सारे जो भी कंपोनेंट्स मैं आपको बताने वाला हूं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके करंट प्राइसेस वगैरह चेक कर सकते हैं। तो फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, तो अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे डेस्क सेटअप के सामने, और जो भी कंपोनेंट्स आपको इस पर्टिकुलर पीसी बिल्ड को कंप्लीट करने के लिए लगने वाले हैं, उन सभी का लिस्ट डाउन मैंने यहाँ पे आपको एक बार दिखाने के लिए कर दिया है कि ये सारे पॉइंट्स, ये जो सारे कंपोनेंट्स आपको अभी आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, यही सारे हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। और कौन कौन से कंपोनेंट आपको कहाँ कहाँ पे फायदा करने वाले हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में बहुत ही डिटेल में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे पीसी बिल्ड के सबसे पहले कंपोनेंट से, जो कि आता है हमारा इंटेल का प्रोसेसर। और गाइस, इसके लिए हम लोग i5 का 10400 का प्रोसेसर यूज़ करने वाले हैं, जो कि एक APU टाइप का प्रोसेसर है जिसमें आपको इनबिल्ट ग्राफिक कार्ड मिल जाता है। तो इनकेस अभी आप जैसे प्राइसेस देख रहे हो कि आसमान छू रहे प्राइसेस, तो अभी आपको GPU में ना इन्वेस्ट करके आप एक अच्छा सा APU बाय कर लो, जिसपे आप वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, आप गेमिंग करना चाहते हो, सारे आप काम इस पर्टिकुलर प्रोसेसर पर आप कर सकते हो। और मैं आपको वीडियो में एक लिंक डाल दूंगा जहाँ पे आपको गेमिंग बेंचमार्क इस पर्टिकुलर प्रोसेसर का मिल जाएगा, जहाँ पे आपको GTA 5 का 1080p पे नॉर्मल सेटिंग पे आप 50 से 55 FPS तक आपको ये प्रोसेसर निकाल के दे देता है। अगर बात करें इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो इसमें आपको 6 कोर और 12 थ्रेड मिल जाता है, जो कि मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप गेमिंग करना चाहते हो तो बड़े आराम से आप इस पर कर सकते हो। अगर बात करें इसके बेस फ्रीक्वेंसी के बारे में, तो इसमें आपको 2.9 GHz पे ये क्लॉक्ड है। और अगर आप कोई अच्छा सा CPU कूलर यूज़ करते हो, जैसे लिक्विड कूलर 280mm का या फिर 360mm का, तब आप इसके टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी को भी टच कर सकते हो, जो कि 4.3 GHz तक क्लॉक हो जाता है। अगर बात करें इस प्रोसेसर के प्राइसिंग के बारे में, तो इसका जो प्राइस रहता है कभी 20,500 रुपये के आसपास रहता है, अभी इसका प्राइस आप देख सकते हो 19,350 रुपये चल रहा है। तो प्राइसेस हल्का फुल्का सा ऊपर नीचे होता रहता है, तो आपको जब अच्छी डील मिले आप बाई करके अपने कार्ट में ऐड कर सकते हो। बढ़ते हमारे पीसी बिल्ड के सेकंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की तरफ, जो कि आता हमारा मदरबोर्ड। और गाइस, मदरबोर्ड के लिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं एसस के तरफ से आने वाला H510M। और गाइस, ये एक वाईफाई मदरबोर्ड है, और इस वाले मदरबोर्ड में आपको फीचर्स भर भर के मिल जाते हैं। इसमें आपको पोर्ट्स एडिक्वेट मिल जाएंगे, VRM सेक्शंस के ऊपर में आपको डेडिकेटेड हीट फिन्स मिल जाता है, और आपको M.2 स्लॉट के ऊपर में भी आपको हीट फिन्स मिल जाता है। जिसका फ़ायदा क्या होगा, जब आप कुछ हैवी इंटेंसिव टास्क करोगे, कुछ बड़े बड़े फाइल्स ट्रांसफ़र करोगे, तो आपका जो M.2 वाला स्लॉट है, ये काफ़ी ज़्यादा गर्म होने लगता है। उसको कूल डाउन करने के लिए यहाँ पे आपको जो हीट सिंक दिया हुआ है वो काफ़ी हेल्प करेगा, और आपके VRM सेक्शन के ऊपर में भी हीट सिंक दिया हुआ है, जिससे आपका जो ओवरऑल सिस्टम का टेम्परेचर रहेगा वो काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड रहता है। अगर बात करें इसके कुछ एडिशनल फीचर्स के बारे में, तो इसमें आपको मैं आपको पोर्ट्स दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको HDMI पोर्ट मिल जाता है, एक आपको डिस्प्ले पोर्ट मिल जाता है। सो अगर आपके पास कोई काफ़ी अच्छा क्वालिटी का मदरबोर्ड है, जो थोड़ा प्रीमियम सेगमेंट का मदरबोर्ड आता है, तो उसमें आपको डिस्प्ले पोर्ट का भी फीचर रहता है। तो अगर आप डिस्प्ले पोर्ट यूज़ करना चाहते हो, तो आप 4K at 30 FPS पे भी वीडियोज़ वगैरह प्ले कर सकते हो, आप गेम्स वगैरह भी खेलना चाहते हो आप आराम से कर सकते हो। इसमें आपको 4 USB 2.0 वाले पोर्ट्स मिल जाते हैं, और 2 आपको 3.2 Gen 1 वाले पोर्ट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको वाईफाई 5 का एंटेना मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको कुछ ऑडियो जैक्स वगैरह मिल जाएंगे। ये रहा वो एंटेना जो कि आपको इस मदरबोर्ड के अंदर में ही इंक्लूडेड मिलता है। तो आपका जो ओवरऑल स्पीड रहेगा, अगर आप रिमोटली और वायरलेसली किसी चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हो अपने सिस्टम के अंदर में, तो आप बड़े आराम से कर सकते हो इस वाईफाई एंटेना के थ्रू। और यहाँ पे आपको एक रियर में IO शील्ड भी मिल जाएगा। बात कर लेते हैं हमारे पीसी बिल्ड के थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के बारे में, जो कि आता है गाइस हमारा रैम। और रैम के लिए हम लोग यूज़ करने वाले कॉर्सर के तरफ से आने वाला कॉर्सर वेंजेंस LPX। और गाइस, ये 8 GB का रैम है, जो कि 3200 MHz पे क्लॉक्ड है, और इसके हम लोग दो टोटल यूज़ करने वाले हैं, दो रैम्स हम लोग अपने सिस्टम में लगाने वाले हैं। तो जब आप फ्यूचर में कोई भी टाइटल्स वगैरह AAA टाइटल्स खेलना भी चाहोगे, तो भी आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली इस पर्टिकुलर रैम को लेकर।
और इस पे आपको ये पूरा हीट फिन मिल जाता है, जिसकी वजह से जो आपका रैम रहेगा जब इस पे आप हेवी लोड वाला भी टास्क करोगे तो आपका जो रैम रहेगा वो काफी कूल रहेगा। बात कर लेते हैं गाइस हमारे पीसी बिल्ड के चौथे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के बारे में, जो कि आता है गाइस हमारा स्टोरेज। और स्टोरेज के लिए हम लोग दो टाइप के स्टोरेज यूज करने वाले हैं, पहला एक SSD, दूसरा एक हार्ड ड्राइव। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हम लोग इस पीसी बिल्ड में यूज करने वाले हैं। तो स्टोरेज के लिए सी ड्राइव के लिए स्पेशली हम लोग यूज़ करने वाले हैं वेस्टर्न डिजिटल की तरफ से आने वाला एक 500 GB का SSD, जिसके आप रीड एंड राइट स्पीड यहाँ पे आप देख सकते हो, ये यूजुअली थ्योरेटिकल रहता है, स्टिल आपको जो स्पीड मिलेगा वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट रहेगा। और देखो मैं 256 GB आपको नहीं रेकमेंड करूँगा इस बजट में, अगर आप 60,000 का एक अच्छा सा पीसी बिल्ड चाहते हो, क्योंकि 240 GB 250 GB का अगर आप लेते हो उसमें से 10 से 12 GB करीबन सिस्टम आपका एक्वायर कर लेता है, और बाकी का अगर आप कुछ गेम्स वगैरह खेलने के लिए अगर इस पीसी को बिल्ड कर रहे हो उसके इसमें 50-50 GB के 60-60 GB के गेम्स आते हैं, इवन कुछ कुछ गेम्स तो यार 150-150 GB के आते हैं, तो आपका सिस्टम का फाइल बहुत तेज़ी से फुल हो जाएगा, तो बार बार आपको फॉर्मेट करने का इशू ना हो इसलिए हम लोग एक 500 GB का SSD यूज़ करने वाले हैं। और कुछ बड़े फाइल्स जैसे हो गए आपके कुछ मूवीज़ वगैरह आप स्टोर करना चाहते हो, या फिर आपके कुछ फैमिली फ़ोटोज़ वगैरह हो गए उनको स्टोर करने के लिए आप 1 TB का एक हार्ड ड्राइव अपने सिस्टम में लगा सकते हो। और इसके लिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं सेगेट की तरफ से आने वाला 1 TB का एक HDD, और इसका स्पीड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, 7200 RPM पे आता है, जो कि एक नॉर्मल से हार्ड ड्राइव के कमरे में थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट और थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म करेगा। अब बात कर लेते हैं गाइस हमारे पीसी बिल्ड के सातवें इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के बारे में, जो कि आता है हमारा कूलर। तो CPU को कूल डाउन करने के लिए हम लोग यूज़ करने वाले आर्कटिक फ्रीजर 34, और गाइस जिस बजट में ये कूलर आपको मिलता है ये काफ़ी तगड़ी परफॉर्मेंस देता है। और इसके हीट डिसिपेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको ये जो पाइप्स दिख रहे हैं आप टोटल 4 पाइप्स इसमें मिलते हैं, तो जिसकी वजह से होगा क्या कि जो सरफेस एरिया का कांटेक्ट होगा आपके प्रोसेसर के पे वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा, जिसकी वजह से जो हीट डिसिपेशन रहेगा वो भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट रहेगा। और ये जो फ़ैन आपको इसके ऊपर में दिखाई दे रहा है ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का फ़ैन है, और इसमें आपको जो प्रेशर रहता है वो काफ़ी बेहतर रहता है, जिसकी वजह से आपका जो कूलिंग रहेगा प्रोसेसर का वो बहुत बेहतर तरीके से हो पाता है। एक चीज़ आप ध्यान में रखो कि ये जो कूलर हम लोग यूज़ करने वाले हैं इसमें आपको कोई भी RGB का टशन नहीं मिलता है। ओके गाइस, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारे पीसी बिल्ड के सबसे आखिरी कंपोनेंट के बारे में, जो कि आता है हमारा कैबिनेट। तो गाइस कैबिनेट के लिए हम लोग यूज़ करने वाले लियान ली की तरफ से आने वाला लैनकूल 215X, और गाइस जिस बजट में ये केस आता है इसमें आपको फीचर्स काफ़ी बेहतर मिल जाएंगे। और ये जो फ्रंट में आपको फ़ैन दिखाई दे रहा है मैं एक बार आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये जो फैंस आपको दिखाई दे रहे हैं ये 200 mm के ARGB फैंस हैं, तो आप इसके लाइटिंग को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो, और यहाँ से आपका हवा अंदर की तरफ जाता है इस तरीके से। और ये जो पीछे में आपको एग्जॉस्ट फैन दिया हुआ है इसमें आपको किसी भी तरीके का ARGB फैन नहीं मिलेगा, ये आपको करीबन 120 mm का ये फैन है, और ऊपर में आप 240 mm के AIO वगैरह भी आप चाहो तो फ्यूचर में लगा सकते हो। और गाइस ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हो यहाँ पे रबर ग्रैमेट्स भी आपको मिल जाते हैं, तो जब आप कुछ केबल वगैरह राउट करके पीछे की तरफ लेके जाओगे इस वाले चेंबर के थ्रू तो यहाँ से आपका जो केबल मैनेजमेंट रहेगा वो काफ़ी नीट एंड क्लीन रहेगा। ओके गाइस, तो अभी हमारा जो भी पीसी बिल्ड का कंपोनेंट था वो सारा का सारा कवर अप हो चुका है, और ये सारे कंपोनेंट्स थे जो कि हम लोगों ने इस पर्टिकुलर पीसी बिल्ड के अंदर में देखा है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर पीसी बिल्ड के कंपोनेंट को लेके कुछ डाउट वगैरह रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और प्राइसेस वगैरह आपको अगर करंट चेक करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां पे आप जाके करंट प्राइसेस वगैरह चेक कर सकते हैं।